अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है बैडमिंटन। आज हम लोग बैडमिंटन खेल की ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑफिशियल काम करते हैं। नंबर एक है जी रेफरी, नंबर दो पे अंपायर, नंबर तीन पे सर्विस जज और नंबर चार पे लाइन जज। सबसे पहले है रेफरी। रेफरी किसी भी टूर्नामेंट या मुकाबले का निगरानी वाला होता है, यानी वो पूरे जो मुकाबले की जो है वो निगरानी करता है। रेफरी तमाम कोर्ट ऑफिशियल्स तैनात करता है और तमाम जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं उनको तैनात करता है। नंबर दो पे है जी अंपायर। अंपायर इस मखसूस बेंच, कोर्ट और इसके गर्दनवा का निगरान होता है। अंपायर बैडमिंटन कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराता है, ख़ास तौर पर फाउल या लेट होने पर कॉल करता है। अगली सर्विस किए जाने से पेशतर किसी मतनाज़ा मसले के ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला करता है, यानी अगर कोई भी किसी मसले से मुतालिक अपील करते हैं कोई भी टीम, तो फिर वो उसका फ़ैसला करता है। अंपायर इस अमर को यकीनी बनाता है कि खिलाड़ियों और नाज़रीन को मैच की सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर रखा जाए, यानी स्कोर का बाकायदा ऐलान करता है। अंपायर रेफरी के मशवरे से सर्विस जज या लाइन जज को बर्खास्त कर सकता है। जहां कोर्ट ऑफिशियल तैनात ना किए गए हों वहां दौरान फ़राइज की अंजामदही के लिए वहां बंदोबस्त करता है। अगर कोई कोर्ट का अहदेदार किसी वजह से किसी पॉइंट को जज ना कर सके तो अंपायर इसकी ज़िम्मेदारी खुद संभालता है, बसोरते दीगर रैली को लेट कर देता है। मैच से मुतल्लिका तमाम मामलात का रिकॉर्ड और रिपोर्ट रेफरी को देता है। कवानीन से मुतल्लिका तमाम गैर फैसला कुन अपीलों को मुनासिब कार्रवाई के लिए रेफरी को पेश करता है और गेम के अख्ताम पर अपील करने वाली साइट के कोर्ट से बाहर जाने से कबल ही की जाती है। अंपायर लाइन जजेस और सर्विस जजेस के हकीकत पर मबनी फैसलों को मुस्तरद नहीं करता। सर्विस जज पोल के करीब अंपायर की मुखालिफ समत में निचली कुर्सी पर बैठेगा। सर्विस जज दुरुस्त सर्विस जांचने का ज़िम्मेदार होता है। अगर सर्विस सही तरीके से ना की जाए तो बुलंद आवाज़ में फॉल्ट पे पुकारेगा और ख़िलाफ़ वर्जी की निशानदही के लिए मखसूस हाथ का इशारा देगा। फिर है जी लाइन जजेस। किसी बैन अलावी सिंगल्स या डबल्स मुकाबलों में 10 लाइन जजेस तैनात किए जाते हैं। लाइन जजों को कोर्ट की बाउंड्री से 2.5 मीटर से 3.5 मीटर के फासले पर बैठे अपने फ़राइज सर अंजाम देते हैं। एक लाइन जज मुकम्मल तौर पर मुख्तस शुदा लाइनों का ज़िम्मेदार होता है। अगर शटल कोर्ट की हदूद के अंदर गिरे तो लाइन जज फौरन आउट पुकारेगा ताकि खिलाड़ी और तमाशाई सुन सकें, और इसके साथ वो दोनों बाजुओं को इतराफ़ की जानब फैलाते हुए इशारा भी देगा ताकि अंपायर वाजिया तौर पर देख सकें। अगर शटल कोर्ट के अंदर गिरे तो लाइन जज कुछ नहीं कहेगा, मगर दाएं हाथ से लाइन की जानब निशानदेही करेगा या इशारा देगा। लाइन जज अगर शटल को गिरते हुए ना देख सके तो फौरी तौर पर एम्पायर को मतला करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस अंदाज से ऊपर उठाता है ताकि दोनों आंखें ढांपी जा सके। हाँ जी, मुख्तलिफ इशारे के हैं जो एम्पायर, सर्विस जज या लाइन जजेस करते हैं। अंपायर का इशारा खिलाड़ी के गलत रवैये पर कैसा होता है? अगर कोई बदतमीज़ी का वाकया या अमल रोनमा हो तो इस मुतलका खिलाड़ी को अंपायर कॉल करेगा, इस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है और उसे गलत रवैये पर वार्निंग दी जाती है, और वार्निंग की निशानदेही के लिए इस वक्त दायां हाथ में कार्ड पकड़ते हुए सर से ऊपर उठाया जाता है। यानी अगर अंपायर सर से ऊपर हाथ ले जाते हुए कार्ड ऊपर उठाता है तो उसको कहते हैं कि वो खिलाड़ी का कोई गलत रवैया है जिस पर अंपायर इशारा दे रहा है। बैडमिंटन खेल के दौरान सर्विस जज के मुख्तलिफ इशारे। सर्विस करते वक्त सर्विस करने वाले के रैकेट की हरकत मुसलसल आगे की जानब जारी नहीं रहती। सर्विस के दौरान खिलाड़ी के दोनों पाँव का कुछ हिस्सा सर्विस कोर्ट में साकन हालत में ना हो तो ये सर्विस जज ये इशारा देगा, यानी वो अपने हाथ को घुटने से नीचे ले जाएगा, पाँव की तरफ इशारा करेगा। शटल के साथ राबते का इब्तदाई नुक्ता शटल के पैंदे से ना हो। अगर पैंदे के साथ शटल
शटल के पैंदे के साथ रابطہ ना हो तो फिर जो है वो लाइन जज कैसे इशारा करेगा, दूसरे हाथ की उंगली को पहले हाथ की हथेली पर रखेगा। सर्विस करने के दौरान जिस लम्हे शटल रैकेट से टकरा रही हो तो मुकम्मल शटल सर्विस करने वाले खिलाड़ी की कमर से नीचे ना हो तो सर्विस जज ये इशारा देगा, यानी क्या करेगा कि अपनी कमर के पास अपना हाथ ले जाएगा। जब शटल को ज़र्ब लगाई जा रही हो तो रैकेट का शॉफ्ट नीचे की समत ना हो तो सर्विस जज ये इशारा देगा, यानी ऊपर की तरफ हाथ करेगा। लाइन जजिस के मुख्तलिफ इशारे क्या हैं जी? शटल कोर्ट से बाहर है, अगर शटल कोर्ट से बाहर गिरती है तो लाइन जज नहायत मुतअद्दी वाजिया और बुलंद आवाज़ में आउट कहेगा ताकि खिलाड़ी और तमाशाई सुन सकें, और साथ ही दोनों बाजू उफकी अंदाज में फैलाकर सिग्नल देगा ताकि अंपायर सही तौर पर दे सके। यानी अगर अंपायर दोनों हाथ फैलाए तो क्या है कि शटल कोर्ट से बाहर गिर गई, ये इस बात की निशानदेही है। शटल कोर्ट के अंदर है, अगर शटल कोर्ट के अंदर गिरती है तो लाइन जज बग़ैर कहे अपने दाएँ हाथ से लाइन की जानिब निशानदही करेगा। अगर शटल को गिरते हुए ना देखा जाए, अगर खेल के दौरान शटल को गिरते हुए ना देख सके तो लाइन जज फौरन अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए अंपायर को मतला करने की निशानदही करेगा। यानी अगर अंपायर अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पर रखेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने शटल को गिरते हुए नहीं देखा। कार्ड्स का इस्तेमाल, अंपायर मुंदरजा सूरतों में कार्ड्स अपने दाएँ हाथ से सर के ऊपर से उठाएगा। पीला कार्ड जो है वो गैर मुनासिब रवैया के ख़िलाफ़ तमहीद करना, यानी खिलाड़ी को वार्ड करना, उसके लिए पीला कार्ड इस्तेमाल करेगा। सुरख कार्ड, अगर खिलाड़ी जान पूछ कर खेल में ताखीर कर रहा हो, ताज़ा दम होना चाहता हो, मशवरा लेना, इजाज़त के बगैर कोर्ट से बाहर जाए, शटल को तोड़े या गैर मुनासिब रवैया या वो साइड जिसको तंबीह दी गई हो तो उन खिलाड़ियों को तंबीह करने के लिए सुरख कार्ड दिखाया जाता है। स्याह कार्ड, खिलाड़ी के मंदरजा वाला रवैयों के ख़िलाफ़ पूरे खेल या टूर्नामेंट से खारिज करने को स्याह कार्ड का इशारा देगा।